रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुबह बखैर ज़िंदगी। और अर्ली मॉर्निंग जो है ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, उससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। स्टार्ट हुआ ये कि चिड़िया के जो बच्चे हैं ना, वो बड़े हो चुके हैं और पूरे घर में माशाल्लाह से दूसरा चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। और मैं अभी अभी नहा के भी निकल आया हूँ, क्योंकि आपको पता है गर्मी तो गर्मी है ना, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना चाहिए पीने के लिए भी। और नहाना जब घर में मौजूद हूँ तो एक दो दफ़ा पानी भर लेता हूँ, क्योंकि अब थोड़ी देर में मुझे नाश्ता करके काम पे निकलना है। फजर के बाद से ही उठे हुए हैं, मतलब फजर से ही उठे हुए हैं, नमाज़ के बाद से जो है ये चिड़िया का बच्चा जो है ये देखें, ये माशाल्लाह से ये बड़े हो गए। ये आप देख सकते हैं पंखे की पंखड़ी पर बैठा हुआ है, पहले ये यहाँ थे और ये यहाँ पे, ये चल गया है भाई इनके साथ। अब इनको हम यहाँ पे हम पंखा भी इसी वजह से नहीं खोल रहे कि ताकि ये परेशान ना हो। आप बैठे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सही है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हम अपना नाश्ता बनाने जा रहे हैं और लाइट भी आज चले गई है, जाती नहीं है यहाँ पे लाइट, कोई बात नहीं अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा, वो सही वक्त पे मैं पानी भर के आया हूँ, ताकि जो है मतलब नहा के आया हूँ ताकि जो है लाइट चली गई तो मुझे ज़्यादा एहसास नहीं होगा। और धूप निकल चुकी है तो ज़ाहिर सी बात है, धूप निकल चुकी है तो ज़ाहिर सी बात है गर्मी भी है। और अब बनाते हैं नाश्ता, जैसे कि नाश्ते में कुछ अच्छा खा लिया जाए। मतलब मैं रात को जो रोटी लेके आया था उसमें एक कुलचा लेके आया था, उसी को फ्राई करता हूँ ताकि पेट भर जाए। खैर जी, ये तो सारा दिन का है, लाइट भी नहीं है और पसीनों पसीनों होना शुरू हो गया हूँ दोबारा से, तो पहले कर लिया जाए नाश्ता। ये तो अपनी तरफ ध्यान उनकी तरफ ही जाता रहेगा जब तक ये खेलते रहेंगे यहाँ पे। तो मैं बनाता हूँ, चाय तो बन चुकी है, फ्राई कर लेते हैं कुलचा, उसके बाद जो है अपने काम की रूटीन को स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मुल्तज़म एंटरटेनमेंट। देखिए कैसी आंधी आई है शदीद हफ्स और गर्मी के बाद, सारी तरह मट्टी मट्टी उड़ रही है। मैं आपको उधर से दिखाती हूँ, ये देखिए कैसा एकदम अंधेरा सा हो गया, सारी मट्टी मट्टी उड़ रही है, ये देखें कैसा हो गया, ये देखें सारी तेज़ तेज़ हवा है, आसमान काला हो चुका है और आंधी आई है ये एकदम से। दरख्त होने लगा है, मट्टी उड़ रही है, खूब मट्टी उड़ रही है। मट्टी है कि पीछे का टावर नजर नहीं आ रहा है, वो वादा नारियल का तरफ तो बिल्कुल छुप गया है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जाओगे खैरियत से होंगे। स्टार्टिंग व्लॉग में आप देख चुके हैं मौसम की सूरत हाल, किस तरीके से जो है मौसम ने एकदम बदलाव आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह पाक को रहम आया और इस तरीके से जो है मौसम चेंज हुआ है, और अल्लाह बेरहम नहीं हो सकता, ये हकीकत है। तो जुनैद को देख लीजिए, ये है जुनैद, और जुनैद आ चुके हैं और जुनैद लेकर आए हैं आज मनपसंद वालों की चाट चाट। और आज हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ट्राई नहीं कर रहे हैं, ये हम पहले, हाँ वहाँ पे भी खा चुके हैं हम बैठ के, यही वाली चाट, इसमें वो डाली मिर्ची, सो यमी। और ये इसकी मीठी चटनी प्लस मीठी खट्टी मीठी और स्पाइसी चटनी है ना, नहीं स्पाइसी नहीं, मीठी है, नहीं मैंने चखी
खट्टी मीठी है। हाँ थोड़ी स्पाइसी भी है। और ये थोड़ा सा लुक है, ये है जुनैद हैं और जुनैद हमेशा से मजे की है, वाकई बहुत मजे की है। और अब चटनी के साथ ये ऑल टाइम फेवरेट है हर एक के लिए चाट। ओए होए क्या यम्मी चाट है। चलिए जुनैद आप भी शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा आपको ये चाट लुक वाइज। मेरी बात भी तो है, हमें नहीं पूछा। बिस्मिल्लाह। ऐसा हो सकता है बेहतरीन। ये आप मुझे वहाँ ले जाके खिला कर आए थे ना, वहाँ का ब्लॉग भी तो बनाया था। हाँ थोड़ा सा शायद आप लोग को याद होगा, वहाँ पे हमने गोलगप्पे भी खाए थे। और वहाँ का क्या है वो? गप्पा खाजा खाना है मुझे वहाँ का। गप्पा खाजा वो वहीं बैठ के खाया जा सकता है, इतना बड़ा गोलगप्पा होता है वो। उसके अंदर जो है ना वो भेलपूरी वाला सामान और अगड़म शगड़म सब कुछ मिक्स। और लोग बड़े शौक से खा रहे होते हैं, मैंने अभी तक नहीं खाया, मुझे ट्राई करना है। आप लोग भी ट्राई करिएगा अगर आप लोग उस तरफ जाएं, मनपसंद वालों की चाट। और नो डाउट बहुत 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 देख लीजिए, सेकेंड डे ऑफ कराची, यानी कल सिर्फ आंधी आई थी, आज बारिश भी आई है। और बड़े प्यारे ये देखिए पेड़ भी धुल रहे हैं। और ये और वो देख लीजिए कितनी खैता।